हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आई होप आप जहां भी होंगे ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ इकरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा होम रेमेडीज़। तो डियर मदर्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है, आप लोगों को मेरे टाइटल से पता लग गया होगा कि आज मैं बात करूँगी कि हमारे जो बाल हैं प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि हमारे बालों में हेयर फॉल का जो मसला है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिससे हम हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान कि अब हम क्या करें, हमारे बाल गिर रहे हैं, हम ऐसा क्या करें, हम ऐसी क्या रेमेडी यूज़ करें कि हमारे बाल गिरना बंद हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे बाल हैं, हर किसी को अपने बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और हर कोई कहते हैं कि हमारे बालों को कुछ भी ना हो, क्योंकि हर कोई अपने बालों को, अपने स्किन को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होता है। जिस तरह से मैं अपने बालों को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ, ठीक है, और मेरी तरह हर मदर्स यही चाहती होगी, हर लड़की ये चाहती होगी कि हमारे बालों को कुछ ना हो, हमारे बाल अच्छे रहें, हमारी स्किन अच्छी रहे। तो उसके लिए तो फिर भाई मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बग़ैर तो कुछ भी नहीं होता। आप कहें कि हम बैठे रहें और हमारा काम हो जाए, हमारे बाल अच्छे हो जाए, हमारी स्किन अच्छी हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। बैठे बैठे कुछ भी नहीं हो सकता, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, रेमेडी बनानी पड़ेगी। ये भी एक बहुत बड़ा झंझट है कि अब कौन उठे रेमेडी बनाए। तो जी स्पेशली मदर्स के लिए, जिस तरह से हम मदर्स हैं, हम अपने बच्चों को संभालें या फिर रेमेडी बनाएं, मुश्किल हो जाता है ना। तो फिर मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगी तो आपके जो बाल हैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो जी मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या था कि प्रेगनेंसी के बाद मेरे साथ भी ऐसा सीन था। मैं जब मेरा बेटा बोर्न हुआ था और उसके बाद इस तरह के मसाइल हुए कि मेरे बाल गिरने स्टार्ट हो गए, मेरी स्किन ख़राब हो गई। तो जी क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई, मैंने कंसर्न किया जो भी, ठीक है। उसने मुझे बोला कि स्किन को, सबसे पहले स्किन आपकी तब ख़राब होती है जब हम पानी नहीं पीते, ठीक है, वो हमारी मिस्टेक होती है, हम पानी नहीं पीते। दूसरा ये कि हम मल्टीविटामिंस नहीं ले रहे होते, ठीक है, और उसके बाद बालों का ये होता है कि हम अपने बालों की केयर नहीं करते, हम अपने बालों में टाइमली ऑयलिंग वगैरह नहीं करते, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि हम अपने बालों पे मसाज नहीं करते, कोई भी मसाज वगैरह जो मार्केट्स वगैरह में, अगर आप वो वाले अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप घर पे कोई भी अच्छे से मसाज वगैरह, मसाज क्रीम्स वगैरह घर पे भी बन जाती हैं, DIY मसाज क्रीम वगैरह, आप वो बना के लगा लीजिएगा अगर आप मार्केट्स की अफोर्ड नहीं कर सकती तो, ठीक है, आप वो कर लिया करें। अगर आप मार्केट्स की अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप वो कर लिया करें, ठीक है, लेकिन आप ज़रूर किया करें, ठीक है। आप ये नहीं कि आप घर बैठे बैठे बस ये बोलते रहा करें कि हाँ अब ये मेरे बाल ख़राब है, अब स्किन ख़राब है। देखिए घर बैठे बैठे या कहने से तो आपकी, मतलब कोई भी चीज़ हमारी सही नहीं होती ना, स्किन हो बाल हो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। बहुत सी मेरी ऐसी सिस्टर्स फ्रेंड्स हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकती, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। उनके लिए मैं बहुत अच्छे मास्क बताऊंगी जिनको आप लगाना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है उनसे भी, ठीक। तो लेकिन मैं आपको जो प्रोडक्ट बताऊंगी वो भी कोई इतने कॉस्टली नहीं है, आराम बजट फ्रेंडली आप आराम से बाय कर लेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ बताऊँगी जो कि प्रेगनेंसी के बाद होता है सीन, कि हमारे बाल, हमारे बालों का जो लॉस होता है, हमारे बाल का हेयर फॉल, ठीक है, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए क्या करना है, आपने हेयर मैक्स स्प्रे मिलता है, आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगा, आप लोगों ने हेयर मैक्स स्प्रे ले लेना है। मैं पिक्चर लगा दूंगी, आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा है। हेयर मैक्स स्प्रे ले लीजिएगा और उसको आपने अपनी रूट्स में लगाना है, ठीक है, रूट्स में उसका स्प्रे कीजिएगा, डेली करना है, ठीक है, और इंशाल्लाह आप जैसे जैसे करेंगे ना आपको उसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूली बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और आपका जो हेयर फॉल है वो स्टॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपके जो हेयर की ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है, हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और आपके बाल भी अच्छे होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।